जेके न्यूज पॉइंट के सभी व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सवेरे एक खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो आपके नोटिस में लाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मे भी कई लोगों को इस बारे में मालूम भी होगा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की कंप्लेंट, स्पेशली कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें तो उनके तहत बहुत सारी इस तरह की खबरें आज लगातार, अगर हम बात करें, सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम उन ऑफिशियल्स की बात करें रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, या तमाम अलग लोगों की बात करें जिनके अंगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें, कंप्लेंट्स जो हैं लगातार देखने को मिल रही थी। फिलहाल प्रशासन ने एक बड़ी अहम जानकारी इसके लिए साफ तौर पर सामने है, क्योंकि कई बार लोग जो हैं फेक कंप्लेंट्स जो हैं वो भी दायर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर ये ऑर्डर जो है वो देख सकते हैं, और जिसमें साफ तौर पर अगर बात करें तो सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर और जम्मू की बात करें तो ये निकाला गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गाइडलाइंस जो हैं रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं कि किस तरह से कंप्लेन जो हैं अंगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स की बात करें तो आप किस तरह से कंप्लेन जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, और ये तमाम जानकारी है ऐसे। और आप ऑर्डर में भी अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो साफ तौर पर दिए गए हैं, और सबसे पहले इसमें यही कहा गया है कि अगर कंप्लेन लॉन्च की जाती है तो एक पूरा प्रॉपर तरीका है कि आप किस तरह से कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि या फिर डायरेक्टली आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर बात करें तो ये, और या फिर जो अवेलेबल पोर्टल दिया गया है उसके जरिए भी आप कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और ये कहा गया है कि जो अथॉरिटीज हैं उन्हें जो है प्रॉपर गैदरिंग करनी है इंफॉर्मेशन की अबाउट द करप्शन, मेल प्रैक्टिसेस एंड मिसकंडक्ट, में टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द लॉ अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट्स, कि उन तमाम ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जिनके ये कंप्लेन दर्ज की जाएगी तो उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर रिगार्डिंग द करप्शन है, मेल प्रैक्टिस है, मिसकंडक्ट है, ये तमाम उसमें साफ तौर और उस पर जो है अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जाएगा टाइम बाउंड मैनर के अंदर अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात इसमें इंस्ट्रक्शंस में दी है कि कई बार इस तरह होता है कि तमाम लोग जो हैं वो गलत कंप्लेन जो है दायर करते हैं, या मे बी कोई पर्सनल ग्रजेस हों किसी के साथ, या इस तरह जो झूठी कंप्लेन दायर करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उन पर जिस तरह से साफ तौर पर कहा गया है कि रिटीरेटेड एनोनिमस और या फिर इस तरह की कंप्लेन्स होती हैं उन्हें जो कि वेग्यू हो, नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए होते हैं, शुड नॉट बी टेकन दी कॉन्जीनियस, तो उन पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा, और इनफैक्ट कि उन तमाम लोगों पर इस पे कार्रवाई जो है वो भी साफ तौर पर की जाएगी, क्योंकि कई इस तरह की पहले भी कंप्लेन्स आ चुकी हैं जहां पर जो कि फर्जी है, ना कि उन पर कोई भी कंप्लेन जो दायर की गई उनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, जिसके बाद एक सर्कुलर भी जो है वो नोटिस में लाया गया, और एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवियंस की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से गाइडलाइंस जो है वो नोटिफाइड किए थे समय समय पे, क्योंकि कई बार इस तरह लोग जो हैं झूठी कंप्लेन्स भी दर्ज कर देते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस मैटर में अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि पहले कंप्लेन को वेरीफाई किया जाए और देखा जाए कि किसने की है और उस कंप्लेन में कितनी सच्चाई है, और इनफैक्ट कि लोगों को ये भी कहा गया कि उसमें जो भी नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा पहले उसे वेरीफाई किया जाए, और उसके बाद जो है फर्थर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पर की जाएगी। और उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो आगे गाइडलाइंस में भी साफ तौर पर यही कहा गया है, क्योंकि मेन इसमें यही था कि बहुत सारे लोग जो झूठी कंप्लेन्स भी कर देते हैं इस तरह, तो उन पर भी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। और कंप्लेंट्स में ये भी कहा गया है कि जो कंप्लेन जिसने भी फाइल की होगी पर्सन की बात करें, प्रोवाइडेड देयर आइडेंटिटी शुड बी दी प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड वेयर द कंप्लेंट्स आर जेन्युइन, तो अगर जहां पर कंप्लेंट्स जेन्युइन होंगी और तमाम जिन लोगों ने अपना नाम सब कुछ दिया होगा तो वो एज पर द लॉ जो है वो सब कुछ देखा जाएगा, और जिसके भी अंगेंस्ट वो कंप्लेन होगी ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर होगा तो उसके ऊपर जो है एक्शन समय लेते जो है किया जाएगा अंडर द गाइडलाइंस जो कि सीवीसी और जीएडी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, इशू किए गए हैं। और ये भी लास्ट में क्लैरिफाई उन्होंने किया है कि स्पेसिफिक प्रोविजन जो है लॉ में टू डील विद द फेक और मोटिवेटेड कंप्लेंट्स, तो इम्पोर्टेंट इन केस वेयर इट इज एस्टेब्लिश दैट द कंप्लेंट्स आर लॉज्ड विद द मेलिफाइड इंटेंशन, और
अल्टीरियर मोटिव टू हेरास और हेरास एन इनोसेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस सच कंप्लेंट्स एज पर द लॉ. तो ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट ही होगा, जो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने झूठी कंप्लेंट दायर की है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई लेगी. और इसमें साफ तौर में कहा है जो भी उसमें अंडर द लॉ जो भी उसमें होगा, तो उसमें कंप्लेन वाले पर जो है, अगर फॉल्स जो है कंप्लेन है अंडर द सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन पेनल कोड की बात करें, तो उसमें उसके तहत जो है कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की जाएगी. अगर ये देखा गया कि कंप्लेन झूठी है और वो ऑफिशियल जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है वो इनोसेंट है, तो इस पर जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. तो फिलहाल यही अपडेट था जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो साफ तौर पर दी गई थी. और बिल्कुल मोहम्मद एस सोफी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट द कंप्लेन लॉजिंग अगेंस्ट द इलीगल हैरासमेंट ऑफ द पुलिस एंड सीआरपीएफ. तो फिलहाल मोहम्मद, मैं इसमें बात करूं तो इसमें तमाम यही जितने भी व्यूज हैं लोगों हैं उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलत होता हुआ नजर आता है कौमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें, तो आप कंप्लेन जो है वो दायर कर सकते हैं. इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, पर ये आपको ध्यान में रखना है कि तमाम लोगों को, कि कई बार लोग अपने पर्सनल ग्रजेस के चलते जो है झूठी कंप्लेंट्स भी दायर करते हैं, तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी. शाकिल हाजी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग. तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी किए गए हैं लोगों के लिए, और ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा अहम है कि आप अगर कहीं पे भी आपको कोई गलत काम दिखता है, कोई करप्शन, तो आप कंप्लेन जो है वो दायर कर सकते हैं, और उसके बाद ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं. फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार.